अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं वीडियो में आपके साथ जो मेरे पास असील मुर्गा और मुर्गियाँ हैं उनकी ब्रीड शेयर करूँगा कि कौन सी ब्रीड है और कौन सी ब्लड लाइन है। तो आप ये देख सकते हैं मुर्गा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मुर्गा है जी, माशाल्लाह इसकी 2.25 फुट हाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे खुद पाला है। और ये है जी लाखा, लाखा इसकी ब्रीड है। और ब्लड लाइन इसकी है जी फाइटर ब्लड लाइन है इसकी। और साथ ही ये सिंधी ब्राउन खड़ी हुई है, इसकी भी ऑलमोस्ट इसके बराबर बराबर ही हाइट है। लेकिन मुर्गा जो है माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं आपके सामने। और ये जो मुर्गी है ये है जी सिंधी ब्राउन। इसके कुछ अंडे मैंने रखे हुए हैं, उसके जो दूसरी है मुर्गी मेरे पास दो हैं। एक आप देख सकते हैं ये मियाँ वाली, ब्लैक मियाँ वाली ब्लड लाइन से, ये भी फाइटर है फाइटर ब्लड लाइन से। इसका भी टाइम चल रहा है, पुड़क का टाइम इसका पूरा हो गया है। नेक्स्ट जब इसके अंडों का आएगा तो पीरियड उसमें फिर देखा जाएगा। इस पर इसको फिर इंशाल्लाह पुड़क बिठाएंगे इस वाली को। बाकी ये सिंधी ब्राउन है, ये अभी कुड़क नहीं बैठी। इसके कुछ अंडे मैंने रखे हुए हैं, दूसरी ब्लैक जो है मियाँ वाली उसके नीचे, उसकी अपडेट भी मैं शेयर करता हूँ कि क्या अपडेट है। ये माशाल्लाह तीनों ही फाइटर ब्लड लाइन है। और जो एक जो कुड़क बैठी हुई है मुर्गी, वो भी फाइटर ब्लड लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने जी माशाल्लाह अपने शौक के लिए पाले हुए हैं, तो इनसे फिर आगे ब्रीड लेके तो फर्दर जो है इंशाल्लाह सेटअप को बढ़ाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वो मुर्गी दिखाता हूँ जो मियाँ वाली, ब्लैक मियाँ वाली मैंने कुड़क बिठाई हुई है, उसका टाइम और कितने दिन हो गए हैं और क्या उसकी पोजीशन है अभी। ये है जी ब्लैक जो मियाँ वाली दूसरी, मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है। आपको इसके कुछ एग्स भी नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली अभी ये खाना खाने के लिए उठी थी तो दाना पानी इसने किया है और अभी ये बैठी है, फिर ये अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट करती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी माँ साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जब चल के ये अपने एग्स की और अपने अगर चिक्स अगर निकले तो बहुत ही ये डिफेंसिव माँ साबित होगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं पास दूर ही बैठा हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा हाथ भी पास करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ना जो है कैसे कि मुझे ना छेड़े आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी माँ साबित होगी, क्योंकि अक्सर मुर्गियाँ होती हैं उठ जाती हैं और प्रॉपर केयर नहीं करती इन अंडों की, अगर चिक्स निकलें तो उनकी भी। तो इसको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, होपफुली 1 वीक रह गया। बाकी इसके बारे में भी अपडेट शेयर करूँगा कि कितने जो है मज़ीद दिन बाद, और अगर जो है चिक्स वगैरह जो होते हैं अगर चिक्स निकले तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। ये पास ही मैंने इसका दाना पानी रखा हुआ है, इसने दाना पाना भी उठी थी, ये खाया है और बैठ लिए जाके एडजस्ट करके अंडों को। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर वीडियोस, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़।